हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका ई लर्निंग में दुर्गेश चैनल पर। फ्रेंड्स, विज्ञान की इस सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन है, एस्क कॉपर पाइराइट का संदरण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है चुंबकत्व विधि के द्वारा, ऑप्शन सी है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय विधि के द्वारा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। एस्क कॉपर पाइराइट का संदरण किया जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा एस्क कॉपर पाइराइट का संदरण किया जाता है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टू मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो 3-मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी हमारा सत्य है, 1 कार्बन। 2-मिथाइल प्रोपेन में 1 कार्बन की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? जी, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है बताइए। ऑप्शन ए ई विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके जूनियर टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें से विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि फैक्चुअल चीज़ें पूछता है और शिक्षा अधिगम से संबंधित पूछता है। तो इसे आप अगर देख लेते हैं तो आपके विज्ञान में क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो किस जगत में बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को रखा गया है? ये देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन भी दिया है। किस जगत में बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को रखा गया है? ऑप्शन ए है पादप, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है मुनेरा। तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन डी मुनेरा जगत। इसमें से पादप नहीं होगा, कवक नहीं होगा, प्रोटिस्टा नहीं। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी किडनी। इनमें से कौन सा ऊतक है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त, रक्त ऊतक है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है, अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है इसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन, SFSH हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए LH हार्मोन। LH हार्मोन अंडजनन की प्रक्रिया में सबसे अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस इज है, मतलब हिप्पोकैम्पस है एक स्तनधारी की सिलेंटेरेट प्रोटोकार्डेट किमिन। स्तनधारी हिप्पोकैम्पस है एक, ऑप्शन डी मीन। हिप्पोकैम्पस एक मछली है, मीन मीन्स मछली है, हिप्पोकैम्पस एक मछली है, मीन है। ऑप्शन में मछली या मीन हो तो दोनों सत्य होगा, हिप्पोकैम्पस एक मछली है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, ऑप्शन ए विज्ञान हमेशा स्थायी है,
विज्ञान संदेहवान को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा हमारा? ऑप्शन सी, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एनसीएफ की तरफ, एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया है, अच्छी विज्ञान शिक्षा में होनी चाहिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा में कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चे के प्रति निष्ठ, ऑप्शन बी है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, ऑप्शन सी कच्छ संस्कृति के प्रति निष्ठ, ऑप्शन डी विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बच्चे के प्रति निष्ठ, कोई भी विषय हो जो कि बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए और वातावरण से नहीं मतलब होता है, बच्चे को समझ में आएगा तभी वो कार्य कर पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी पर्यावरण संबंधी, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर और उससे बड़े हाई लेवल पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विज्ञान का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ऑप्शन सी है अवधारणाओं की पाठ पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना, ऑप्शन सी है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर, अवधारणाओं की पाठ पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, प्रदर्शन से संबंधित कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है विश्लेषण करना, ऑप्शन बी अनुप्रयोग करना, ऑप्शन सी बोध करना, ऑप्शन डी सृजन करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? इसमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ऑप्शन बी विज्ञान का कोना बनाना, ऑप्शन सी कक्षा में व्याख्यान सुनना, ऑप्शन डी विज्ञान क्लब की स्थापना करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा क्योंकि यह गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी हमारा गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? ऑप्शन ए लिखित परीक्षण, ऑप्शन बी कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन सी वर्णन अभिलेख, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षण। तो इसमें से अवलोकन आधारित पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी वर्णन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है, ऑप्शन बी अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होते हैं, ऑप्शन डी पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो पहला दिया है ऑप्शन हमारा ए और बी
सही है। दूसरा ऑप्शन है बी और सी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है सी और डी। चौथा ऑप्शन ए और सी। तो इसमें से कौन सा हमारा सत्य होगा? ऑप्शन डी, ए और सी। पश्मीना शाल बकरी के बालों और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। मतलब पश्मीना ऊन, पश्मीना शाल बकरी के बाल से बनता है और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा विज्ञान की इस सीरीज में ये आज का क्वेश्चन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इसी चैनल से बने रहिए, ताकि आपको सभी शिक्षक भर्ती संबंधित प्रैक्टिस किए कराए जा सके और आपको सफलता मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।